फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिट्स बाय तनुश्री गर्ग। और ये है दूधीपुली शॉप जो कि पहाड़ों में है मुक्तेश्वर में, और ये ऑर्गेनिक सामान देते हैं सारा, और ये एक एनजीओ चलाती है लेडीज। तो आप इसके बारे में आप सुनिए इनसे, बहुत अच्छी शॉप थी। तो ये एक शॉप है जिसका नाम है निर्वाणा, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप यहाँ आके परचेज कर सकते हैं। तो मैं हूँ यहाँ पर मुक्तेश्वर में, और यहाँ मैं आपसे स्टोर ओनर की बात करवा रही हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ मिलती है जो कि आप आके परचेज कर सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम दीपक बिष्ट है, मैं मुक्तेश्वर से ही हूँ प्रॉपर। और ये जो हमारा स्टोर है ये वुमेन एसएचजी का स्टोर है दीदीपुरी नाम से, और यहाँ पे बहुत सारे लोकल में जितने भी वुमेन्स हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका सामान है, और कुछ एनजीओज का है। और ये स्टोर एक्चुअल में चलाती भी लेडीज ही है एक्चुअली, अभी इस टाइम वो कुछ वर्क करी तो इसलिए मैं आपको बता दूँ उसके बारे में। जैसे कि हमारा ये शहर है, ये वाइल्ड हनी है, ये तुलसी हनी है। अब ओके, इन सब की खासियत ये है कि ये एक तो केमिकल फ्री होगा, या इसकी जब बी कीपिंग होती है तो ये वाइल्ड जब जंगल में फ्लावरिंग होती है तब वहाँ लगाए जाते हैं। ये दीदी बुरी नाम है ठीक है, तो इसमें वहाँ का होगा। ये तुलसी जब लगाई जाती है, इसकी फार्मिंग होती है, तब वहाँ पे इस पर छत्ते रखे जाते हैं शहद के। ओके ठीक है। इसके अलावा चटनी है, ये हमको डेयरी देती है द एनर्जी सोर्सेज जो है सेंटर, ये बुरा स्क्वेयर है लोकल का, शुगर फ्री और विद शुगर। ये बुरा जो फ्लावर है, बेनिफिट भी बता देना आप। इसके बेनिफिट्स आपको हेल्थ बेनिफिट, तो आपका स्टमक बहुत अच्छा रहता है, फिर आपकी बॉडी में को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, अस्थमा के लिए भी होती है, अस्थमा के लिए भी होती है। इसके अलावा इसी फ्लावर की चटनी बनी हुई है, इसी की बुरांस बुरांस की। इसके अलावा कीवी है, ओके। इसके अलावा पिकल्स हैं कुछ, और कुछ हैंडीक्राफ्ट भी है, हैंडीक्राफ्ट भी है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में आपका स्क्रब है, आपका सोप्स है, हैंडमेड लिप बाम है, रोज वाटर है, आपका एप्रिकॉट ऑयल है जिससे आप मसाज वसाज कर सकते हैं। ओके, ये विटामिन का ई का सोर्स होता है, ये हैंडमेड बने हुए बैग। और इसके साथ साथ आपको अगर लोकल जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो भी आप देख लीजिए एक बार। और ये सब क्या टी वगैरह है क्या? ये की है, ये रोज मिंट की है, ये बुरांस पेटल्स हैं। ओके, टी है देखो, ये रोज मिंट की टी है, ये बुरांस पेटल्स हैं जो आप अभी स्क्वैश देख रहे थे, ये आपका बुरांस की टी बनी हुई है। तो ये ले जाने में फायदा है। इसके अलावा इटालियन ब्लेंड बना हुआ है, चिली फ्लेक्स है, लेमन ग्रास टी है, ये जो चिली है ये लोकल चिली है, यहीं पे जो ग्रोन होती है और यहीं पीस के हम यहीं बेचते हैं। हम ऑनलाइन कोई सामान नहीं बेचते क्योंकि इतना होता ही नहीं है, इतना भी होता है वो यहीं आता है, यहीं बिकता है। इसके बाद स्टॉक अगर खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आएगा। पर ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन तो है ही नहीं, इतना होता ही नहीं है, उत्पाद ही नहीं है। अगर हम ऑनलाइन बेचेंगे तो हम या तो सच्ची चीज बेचेंगे नहीं, तो झूठ बोलेंगे। ये कोरिएंडर है जो बारीक होता है, एक तो आजकल क्या होता है जिसमें केमिकल पड़ता है, उसका बहुत बड़ा साइज है, छोटा होता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी, आप चाहे तो किसी एक को ट्राई भी कर सकते हैं स्मेल करके, खुद करिए। दमती हो रहा है। इसके अलावा टर्मरिक है, बच्चों को दे सकते हो दूध में, अच्छा, किसी को चोट लग जाए उसके आप लेप लगा सकते हो इससे, और रिच कल्पेमन होती है आपके पास, चाहे तो भी ट्राई कर लीजिए। अब इस राजमा के सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी 2 से 3 सीटियां पक जाएगी, अच्छा, और आप उसको ओवरनाइट भिगाने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आपकी दिल्ली विल्ली या कहीं मिलती है उसमें। उसमें यह पहाड़ी जखिया, जैसे आलू के वो बनाते हैं गुटके जीरा आलू बनाते हो, तो पहाड़ में इस चीज को डालते हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है। ये आपका ग्लूटेन फ्री आटा है, इसमें 4 तरह के आटे होते हैं, जैसे मक्का, रागी जी, ये बैम्बू का ही सेकंड पार्ट है, इसको रिंगाल बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग इस पे काम करते हैं गाँव में। इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका 500। और ये सारी 500 है, वो हाँ जो सामने आपके उधर लगा हुआ है पेन होल्डर है,
लाल मिरी वो वाली टिक्का है। नहीं नहीं ये इधर ये अच्छा उधर ओके ओके ये वाला ये पैन होल्डर है आपका। ये मसालेदार नहीं लग रही है ये आपके फ्रूट्स रखने के लिए है। नहीं ये हाँ ये है ना ड्राई फ्रूट बॉक्स ये देखो ये पिकल पॉट्स हैं। और ये सब क्या है ये यहाँ का कुमाऊं का एक लोकल इसको अपन आर्ट बोलते हैं। हाँ। तो ये कपड़े पे पेन से पहले इसको ट्रेस करके फिर पेंट से हाथ से बनाया जाता है। अच्छा। ये पेंट है आपका प्रिंट किया हुआ नहीं है रिचुअल है या ऐसे ही है। नहीं ये यहाँ का ही आपका एक कुमाऊं अपन आर्ट यहीं का होता है और कहीं नहीं होता ये। ओके कुमाऊं नहीं आर्ट जी। इसमें एक का क्या प्राइस है ये एक का 600। इसके अलावा टॉयस हैं या फिर आपके गिफ्ट के में कैंडल्स हैं। इधर आपकी ये हर्बल 6 लगी हुई है। और ये इसमें जो ये बांस है या नॉर्मल वाली वो है वुड इसमें स्ट्रिक तो बांस की ही है लेकिन इसमें जो बाहर की कोटिंग है वो यहीं पे भीमताल में जगह वहाँ बनाई जाती है लोकल हब से ही बनती है। जो सामान लेना वो ले लेते हैं ये भी ले लेंगे एक गाड़ी के लिए निकल वाले हैं हाँ बस इन लोगों की मदद करना चाहती थी। और ये एक एनजीओ है लेडीज का तो आप लोग जरूर जाइएगा विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। बारिश भरने वाली थी तो हम वहां से निकल चुके थे सारा सामान लेकर और फिर हम लोग पहुंचे रिजॉर्ट और ये थक भी चुके थे। और देखिए पूरा मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। अब यहाँ ऑर्डर करी थी हमने कुमाऊनी थाली जो कि पहाड़ों की सबसे फेमस थाली होती है। इसमें बहुत सारी पहाड़ी सब्जी है और बहुत टेस्टी होती है। ये कुमाऊनी रायता होता है वो जो कड़ी जैसे आपको लग रहा है कुमाऊनी मतलब खीरे की जैसी बनी होती है बहुत टेस्टी होती है। उसके बाद हम निकल गए थे एक नीचे एक घूमने के लिए लेकिन फिर तो वही बादल और बारिश के चक्कर में वापस घर आ गए थे। अभी चले एक क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कैची धाम तो देखिएगा जरूर एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते। बाय बाय।